नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर आज फिर एक और नई भर्ती आई है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली के अंदर। वेबसाइट आपके सामने है दोस्तों, और अप्लाई करने का लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। पढ़ाई फॉर चैनल पर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड सारी वेबसाइट्स वगैरह के लिंक भी शेयर किए जाते हैं, ताकि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकें। तो आइए चेक कर लेते हैं नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली की साइट पर जाके। जो वैकेंसी का सेक्शन है, आपने यहाँ पे जाना है नीचे दोस्तों, वहाँ पे जाके हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ को। ये यहाँ पे है कॉर्नर पे, यहाँ पे हम वैकेंसी के लिंक पे जाके क्लिक करेंगे। ये वैकेंसी नोटिस है दोस्तों आपके सामने, डेट है 26 मई 2020 का। ये है वैकेंसी नोटिस है दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एंगेजमेंट ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल इन द म्यूजियम सेक्टर। तो डिटेल में यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, टोटल 8 पोस्ट हैं इसमें और 2 साल के लिए है दोस्तों ये। और एप्लीकेशन जो है आपने दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर के सीधा आपने मेल करना है इस एड्रेस के ऊपर, और लास्ट डेट आपकी रहेगी 19 जून 2020। अब हम डिटेल में चेक कर लेते हैं पूरा प्रोसेस, इसी के नीचे मेंशन है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एंगेजमेंट ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल इन म्यूजियम सेक्टर। ये फिल करके आपने भेजना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अपना नाम लिखना है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आपका क्या है, और सिंपल सा फॉर्म है दोस्तों ये, परमानेंट एड्रेस लिखना है आपने, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जो भी है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है इसमें, और भी अगर कोई रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है आपकी तो आप इसमें भर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो कब से कब तक है दोस्तों, सैलरी वगैरह की डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। ये फॉर्म भर के आपने ईमेल करना है दोस्तों, वहाँ पे जो एड्रेस ऊपर वाले पेज पे दिया था। अब बात करते हैं हम ऑफिशियल जो मेमोरेंडम है दोस्तों, उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया है पोस्ट का नाम, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और सैलरी क्या रहेगी। नंबर 1 पे जो पोस्ट है उसका नाम है दोस्तों कॉपी राइटर। कॉपी राइटर की टोटल 2 पोस्ट हैं, सैलरी रहेगी 85,000 रुपये पर मंथ, 85,000 पर मंथ। उसके बाद है ग्राफिक डिजाइनर, 2 पोस्ट हैं, सैलरी 85,000 पर मंथ। नंबर 3 पे है प्रोडक्ट डिजाइनर, उसके बाद है दोस्तों 1 पोस्ट है और सैलरी रहेगी 85,000 पर मंथ। विजिट एक्सपीरियंस मैनेजर, 1 पोस्ट है, 75,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। और वेब डेवलपर जो है, 2 पोस्ट हैं, 75,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। तो दोस्तों सैलरी काफ़ी अच्छी है, अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। और डिटेल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है दोस्तों, ड्यूटी और टास्क वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। कॉपी राइटर के लिए नंबर 1 पे इन्होंने बताया है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, आप इसको रीड कर सकते हैं। और इसी के ठीक नीचे इन्होंने क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए वो इन्होंने यहाँ पे बताया है दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कॉपी राइटर के लिए, जैसे कि MA या BA या मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री में जिन्होंने जर्नलिज्म, हिस्ट्री और मार्केटिंग से की है दोस्तों, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरी है। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हैं, और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने सारा दिया है क्या क्या स्किल्स इन्होंने रिक्वायर किए हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, एडोब फोटोशॉप वगैरह की, एडोब इलस्ट्रेटर की और कोल्ड्रा की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये स्किल्स आप में होनी चाहिए दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट और साथ में जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सैलरी भी ठीक ठाक है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों। प्रोडक्ट डिजाइनर के लिए इन्होंने नंबर 3 पे बताया है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसमें चेक कर सकते हैं, स्किल आपने यहाँ पे दिए हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी इन्होंने बताया है यहाँ पे, कोई भी बैचलर डिग्री है जिन्होंने फाइन आर्ट से किया है वो कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है यहाँ पे। उसके बाद है दोस्तों और स्किल का भी इन्होंने जिक्र किया है, ये आपके पास होनी चाहिए स्किल्स। वेब डिजाइनर के लिए भी इन्होंने यहाँ पे बताया है, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें इन्होंने मांगा है दोस्तों एटलीस्ट 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है दोस्तों, तो वो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, बैचलर्स या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विजिटर एक्सपीरियंस मैनेजर का भी इन्होंने यहाँ पे बताया है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्किल एंड एक्सपीरियंस क्या क्या आपके पास होने चाहिए दोस्तों, और डिजायरेबल में भी इन्होंने बताए हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह। तो दोस्तों ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिल्ली में निकली हुई भर्ती से रिलेटेड। अगर आप इसी तरह से घर बैठे लेटेस्ट जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप पढ़ाई फॉर यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।